क्या आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि ये हिंदू मुसलमान के मसले पर ये पूरब से ज्यादा सेंसिटिव है, पूरब जाति को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, वहां अगड़े पिछड़े की लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन पश्चिम में हिंदू मुस्लिम की पिछ लगती। प्रशांत जी, आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान एक साथ वोट करेगा टेक्टिकली, या वैसा ही है कि कुछ ओबीसी को भी जाएगा, कुछ बहन जी को भी जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी किसी को खड़ा कर देगा उसको भी जाएगा, कोई निर्दलीय खड़े हो जाएंगे हाजी साहब उनको भी मिलेगा, क्या लगता है आपको प्रशांत जी? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ये 5 साल पुराने वक्त पर कर रहे हैं। आज वक्त बदल चुका है, आज मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, दलित भी वोट देगा, जिसने स्वाद विकास का चख लिया है वो विकास को वोट देगा। आप ये जो गणित वाली राजनीति है ये 2017 में समाप्त हो गई, अब ये राजनीति के लिए भारत इस उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। अब आप जब परिणाम आएंगे तब आप देखिए जिसने पार्टी ने काम किया, सरकार ने काम किया, किसान उसके साथ रहेगा किसी भी जाति का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज समाजवादी पार्टी का सुरेश जी, मैं वही उत्तर देना है उनको, बोल रहे जी। देखिए अल्ताफ जी, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को मेरे समय पर बोलने दीजिए। हाँ हाँ बोलो भैया। मैं किसान पर बोल नहीं रहा था, मैं कह रहा हूँ कि किसान जो है, किसान किसी भी जाति वर्ग से आता हो, किसान किसान है। किसान को ये ध्यान है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली तब 96 महीने का गन्ना भुगतान बकाया था, समाजवादी पार्टी और बसपा का मिलाकर 96 महीने के बाद भुगतान शुरू हुआ। आज आज किसान देखता है कि 90% से ऊपर किसान का भुगतान हो चुका है। जो 153 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी पिछली सरकार में, वो हम डबल से ज्यादा कर चुके हैं। किसान को ये चाहिए, किसान को चाहिए कि जो ठीक करने का, ठीक है भैया प्रशांत जी, ठीक 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 प्रशांत वशिष्ठ कह रहे हैं, मैंने जो बात मैंने शुरू में कही थी प्रशांत उसी वही बात को कह रहे, सार्वजनिक मुद्रा अलग और रणनीति बनाने की मुद्रा अलग। ठीक ठीक, अरे रुको भैया, आगे बात आ गई, बात मित्र आ गई। मनीष सिंह के पास मैं चलूं, उससे पहले एक तथ्य रख दूं, 5 साल पुराने चुनाव छोड़ दीजिए, ठीक है भैया आगे बात रुको, 5 साल पुराने तथ्य छोड़ दीजिए, इससे ठीक पहले जो चुनाव हुआ वहीं का उठा के लीजिए सारा आंकड़ा, पश्चिम बंगाल, वो 5 साल पुरानी घटना नहीं, तब तक किसानों का कल्याण हो चुका था देश में, तब तक किसानों का कल्याण हो चुका था मित्र। अमिताभ जी अब आएंगे दोबारा, तब तक इसको आप रखो, रोक के रखो विचार को, आएंगे दोबारा। मनीष सिंह मसला फिर वही, कोई भी आदमी गंगा में खड़े होके और तुलसी का पत्ता हाथ में ले ले साथ में, और ये कहे कि जी नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव या देश के किसी भूभाग का चुनाव तो सरकार की योजनाओं पर हो जाएगा, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो ये कहते हैं उनके लैपटॉप में भी मैंने यहां तक देखा, पसमांदा कितने, मुसलमान छोड़ो पसमांदा कितने, शेख कितने, यहां तक तो डिटेलिंग कर रहे हो और हमको ज्ञान देते हो सब लोग मिलके कि नहीं देखिए वो तो जो ऐसा ऐसा हो जाएगा। भैया मनीष जी, ऐसा ऐसा तो अभी कहीं नहीं दिख रहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो उसकी इको उस वैसी सुनाई देती है जो सुनाई देनी चाहिए, जहां से जाते हैं वहां भी और जहां जाते हैं वहां भी, फिर ये योजनाएं कहां से आगे बीच में बताओ भाई। मनीष जी, अमिताभ सर जी, आपने बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुना है और आगे भी सुनेंगे, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री में दूंगा, उसमें वो न पश्चिम की बात करते हैं, न पूरब की बात करते हैं, न उत्तर की बात करते हैं, न दक्षिण की बात, शांत रहने का कष्ट करेंगे आप? हाँ बताओ भैया मनीष, शांत रहने का कष्ट करिए, पश्चिम नहीं योजनाओं पर नहीं यार, योजनाओं पर मत बोलो, मुझे योजनाओं पर ज्यादा चर्चा लगता है, लेखपाल टाइप का मामला डिबेट हो रही है तहसीलदार टाइप, ना ना वो नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर चर्चा करो भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये एसडीएम के लायक का मामला होता है कि कागज में लिख लाए बोले इतने नलकूप लगाए हुजूर, इतने शौचालय बनाए, साहब सर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता का सभी आदर करते हैं, 2 मिनट हम लोगों की भी बात सुन लीजिए। नहीं अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो तो चल ही रहा है मेरे दोस्त, अपन बात ये करो पश्चिम से जहां से बोनी होनी है, जहां से दुकान का शटर खुलना है, तो बस इतना, वहां क्या माहौल है वो बताओ, बस इतना ही जान लीजिए कि जब से आरएलडी का, समाजवादी पार्टी का, किसानों का और समाजवादियों का जो
गठजोड़ राजनीतिक हुआ है, जब से हमारा वैचारिक गठबंधन हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो दर्द है वह दर्द आपके टेलीविजन पर और देश दुनिया में भी दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। मैं अमिताभ सर, दर्द की हजार बोली है, कोई खा लो, पुदीनरा खा लो, पेट दर्द क्या समझता है। अमिताभ सर सिर्फ एक बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि अभी शपथ ग्रहण भी करा दो तो भाई रुक जाए। अच्छा एक बात बताइए रोहित अग्रवाल जी, एक और भी बड़ा मसला मतलब तथ्य है जो यहाँ आना चाहिए बहस में, पश्चिम पर हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ से वो गेटवे ऑफ यूपी है पश्चिम, वहाँ से वहीं से दरवाजा में होगा माहौल, बारात चढ़ी उठान पे आई तो आ गई और नहीं आई तो फिर आती नहीं पूरब तक। लेकिन इतिहास बताता है कि आपके लिए राष्ट्रीय लोकदल के लिए अजीत सिंह जी के पूरे जीवन काल से और जयंत के अब थोड़े से जो राजनीतिक कार्यकाल है उसमें अभी तक अगर सबसे बड़ा शुभंकर कोई रहा है तो वो भाजपा ही रही, बाकी आप किसी भी प्रयोग में लड़े तो मजा नहीं आया। नहीं ये बात भी है रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी देखिए दो मतलब पिछले मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास भाजपा पे जाने के लिए कोई ऑप्शन खुले हुए नहीं थे, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो और चाहे वो ये चुनाव हो, तो हमने अभी भी चल रहा था इलू है, अभी भी इलू चल रहा था। नहीं नहीं प्लीज अमिताभ जी देखिए मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं जो पूरी बात को सही से समझते हैं और सही से बात करोगे तो दर्शक भाग जाएगा, दर्शक कहेगा भाई कुछ तो ह्यूमर भी हो दोस्त, दर्शक इतनी गंभीर बात कैसे समझ पाएगा जी। नहीं नहीं तो सच्चाई ये है अमिताभ जी कि हमने लिस्ट नहीं घोषित की है, हमने विधायकी के सर्टिफिकेट बांटे हैं, ये जो हमारी लिस्ट अभी आई है और जनता पूरी तरीके से जानती है जिस तरीके से टेनी ने किसानों को कुचला है और 700 किसानों की शहादत हुई है, भारतीय जनता पार्टी कौन से विकास की बात करती है, 14 दिन में गन्ना किसानों के भुगतान की बात करते थे ये, और इन्होंने एक बार भी 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान किया हो तो आप बता दीजिए, आपके पास आंकड़े बेहतर होते हैं। और एक रुपए का ब्याज देने में भैया, एक रुपए प्रशांत अपने